हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को उसके परपेंडिकुलर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो पाथ होता है क्या होता है, सर्कुलर होता है। रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने देखा था। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन क्या होता है, स्पीड। ये हम क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आर का वैल्यू आपको मालूम है, आर इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू एम वी अपॉन क्या होगा, क्यू बी, है ना। क्या हो गया, R इक्वल टू क्या होगा, एम बी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। तो यहाँ जब R का वैल्यू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 पाई R अपॉन V, और यहाँ लिखोगे 2 पाई एम वी अपॉन V इंटू क्या होगा, क्यू बी। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड T इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एम अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू बी। यहां ध्यान देना है कि क्या है कि टाइम पीरियड जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से क्या होगा, इनडिपेंडेंट। किस स्पीड से आप चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर फेंक रहे हो उससे क्या होता है, टाइम पीरियड जो क्या है, इनडिपेंडेंट है। टाइम पीरियड ओनली डिपेंड ऑन द क्या होगा, मास ऑफ द क्या होगा, पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड, यहां टाइम पीरियड डिपेंड क्या होगा, डिपेंड ऑन, पहला पॉइंट क्या है, ए में क्या है, टाइम पीरियड डिपेंड ऑन क्या होगा, मास ऑफ द क्या होगा, पार्टिकल, ठीक है। बी में क्या होगा, चार्ज ऑफ पार्टिकल, एंड सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसी पे क्या होगा, ए डिपेंड करेगा। यहाँ लिखना है कि जो क्या होगा कि टाइम पीरियड जो होगा वो स्पीड पे क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा। क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। क्या होगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से क्या होगा, इनडिपेंडेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, इनडिपेंडेंट होगा। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वी रेज टू क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेमी मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करें, फेंक दें, है ना। तो यहाँ जो टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा वो प्रोटॉन का क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कम होगा। प्रोटॉन जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लेगा, स्लो मूव करेगा, वाइल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, फास्टर मूव करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में। उसके बाद हम आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी और इसी को हम क्या बोलेंगे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे, एफसी। तो एफसी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, टाइम पीरियड। और यहाँ आप देखेंगे 1 अपॉन टाइम पीरियड का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, क्यू बी अपॉन क्या होगा, 2 पाई क्या हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो होगा,
साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इसका साइक्लोट्रॉन जो होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप क्या कर सकते, एक्सेलेरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। वो बाद में हम पढ़ेंगे, या मैं आपको बता दूंगा कि आप खुद से भी पढ़ सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, सभी बुक में दिया हुआ है। हाँ, इसके कुछ ड्रॉबैक है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स और एक दो देखेंगे। तो देखो क्या है, अभी अब हम क्या पढ़ेंगे, है ना, कि कोई चार्ज पार्ट, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, लार्ज रेंज में क्या है, फैला हुआ है, आई मीन एक्सपेंडेड है, लार्ज आई मीन रीजन जो है क्या है, लार्ज रीजन ऑफ स्पेस में क्या, एक्सटेंडेड है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि नहीं, यदि मैग्नेटिक फील्ड रीजन का विड्थ क्या हो, लिमिटेड हो, तो उसमें क्या हो सकता है ना, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप, मैंने बताया ना अभी, केवल नोटबुक पढ़ लेना है और एच सी वर्मा का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, शायद एक दो नहीं हो, लेकिन आप यदि नोटबुक पढ़ोगे और जो टाइप मैं बता रहा हूँ उसको देखोगे अच्छे से, तो एच सी वर्मा का क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्या देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल, देखो ध्यान से, ये चार्ज पार्टिकल ऑफ क्या होगा, मास, मास m, एंड क्या हो गया, मास m, एंड चार्ज प्लस q इज प्रोजेक्टेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एज सोन इन द फिगर, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। देखो ऐसे हमने क्या किया, इधर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखा दिया, क्या क्या कैलकुलेट करना है ये ध्यान देना है। अब यहां से देखो ये क्या है, यहां से ऐसे क्या है, ऐसे हमने क्या किया, फेंक दिया, इसके साथ अल्फा एंगल पे, ठीक है। ये कितने वेलोसिटी से, ये प्लस क्यू चार्ज है और इस पे इसका वेलोसिटी क्या है, भी है, उसको प्रोजेक्ट किया। तो अपने को क्या करना है, प्रूव कर देना है कि ठीक है, अब ये ऐसे, पहले तो ये प्रूव करना है कि क्या होगा, इट विल इमर्जेस फ्रॉम द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल, इसको हम ए बी मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, बी है। तो आपको पहले ही प्रूव कर देना है, देखो ध्यान से, कि ये जितने एंगल पे आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में ए बी के साथ प्रोजेक्ट किए हैं, उतने ही एंगल पे क्या होगा, इमर्ज भी होगा। ये आपको क्या करना है, अपने को क्या करना है, इसी को प्रूव करना है, आई मीन यस। देखो ध्यान से, इसमें डिफ्लेक्शन भी पूछा जाएगा, ऐसे ही क्या होगा, इसका पाथ होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, यही क्या होगा, इसका पाथ होगा और ये ऐसे इमर्ज है, आई मीन अंदर जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर आर्क पे क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। अगेन क्या हुआ, इधर आ गया, इधर इसका मास m है, प्लस q चार्ज है, और जिस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, चार्ज को क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, उसके स्पीड को चेंज नहीं करता है, आई मीन चार्ज को एक्सेलेरेट करता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, स्पीड जो होता है वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो ये आपको समझ में आया, ये चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b एज शोन इन द फिगर, देन क्या है, देन देखो a में क्या है, प्रूव दैट पार्टिकल विल
इमर्ज फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल, ये बहुत आसान है, एंगल अल्फा। अब यहां से यदि हम क्या करेंगे ना, ऐसे इस एबी के परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि फाइंड रेडियस, फाइंड रेडियस ऑफ द क्या होगा, सर्कुलर, सर्कुलर आर्क ऑन विच पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक, इनसाइड मैग्नेटिक, ठीक है। सी जो है वो क्या है कि टाइम स्पेंड, अपकोर्स क्या होगा, देखो कि कितने टाइम तक जो होगा वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, वो भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो थर्ड जो है टाइम, टाइम स्पेंड बाय क्या होगा, बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, ठीक है। और एंगुलर डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्ट हुआ उससे वो भी आपसे पूछा जाएगा। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि द एंगल बिटवीन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, आई मीन एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एट विच द पार्टिकल इज इंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड लीविंग द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यही क्या होगा, दिस इज, आप ध्यान से देखोगे यही क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो यहां से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डी में फाइंड एंगुलर डिफ्लेक्शन, फाइंड क्या होगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसको बाद में हम देखो, एक ही क्वेश्चन है इसमें, सारे क्वेश्चन मैंने क्या है, एक ही क्वेश्चन में हमने सारे क्वेश्चंस कंसीडर कर लिए, तो इसको हम वन बाय वन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ये समझ में आया कि ये चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या है, क्यू प्लस क्यू है, मास क्या एम है, उसको भी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है ना, ए बी के साथ अल्फा एंगल पे क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि दिखाया गया है मैग्नेटिक फिगर में, आपको क्या करना है कि पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द चार्ज पार्टिकल विल इमर्जेस फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल अल्फा, आई मीन ये वाला जो एंगल होगा यही क्या है, अल्फा विथ ए बी, ऐसे लिख लेना, विथ ए बी है ना, विथ ए बी, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो आपको ये एंगल प्रूव कर देना है, यदि एंगल हम थीटा मान लें तो थीटा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कितना होगा हम देख लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि रेडियस कैलकुलेट करना है, तो रेडियस का क्या होगा, वाई फॉर्मूला होगा, उसके बाद टाइम स्पेंड बाय द चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम तक चार्ज क्या है मूव कर रहा है, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्या पूछा गया है कि आपको प्रूव कर देना है कि ये क्या होगा, ए बी के साथ जो होगा वो कितने एंगल पे इमर्ज होगा, अल्फा एंगल पे, ठीक है, कितने एंगल पे इमर्ज होगा, अल्फा एंगल पे इमर्ज होगा, आपको प्रूव कर देना है। दूसरा क्या है, रेडियस निकालना है। तीसरा क्या है, टाइम, कितने टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहा, इसको कैलकुलेट करना है। और चौथा जो है कि एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना होगा, आई मीन डेविएट कितना होगा, एंगुलर डेविएशन, डिफ्लेक्शन और इसको डेविएशन लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा, डेविएशन या डिफ्लेक्शन भी सही है लेकिन डेविएशन लिख लो, ठीक है। तो ये वन बाय वन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। ये अच्छी बारमा में भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब देखो क्या है, यहां सबसे पहले देखो तो ये सर्कुलर आर्क है, तो इधर कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका सेंटर होगा। यहां मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, है ना, कि यही क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द क्या है बोर्ड है यूनिफॉर्म, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। यहां से हमने क्या किया ऐसे फेंका इसको है ना, यहां जाएगा और यहां क्या होगा ऐसे जा करके क्या होगा देखो ये ध्यान देना है तुमको कि ऐसे क्या होगा इमर्ज होगा ऐसे, ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ पे क्या होगा यही क्या हुआ इनिशियल डायरेक्शन हुआ डायरेक्शन ऑफ मोशन और दिस इज नथिंग बट द फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे ही ये क्या होगा बाहर निकलेगा तो उसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ ये बाहर गया है ना इस पे प्लस क्यू चार्ज है मास क्या है एम है और वेलोसिटी क्या है वी, तो दिस इज क्या होगा इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस इज फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये इसको एक्सटेंड करोगे तो दिस इज फाइनल डायरेक्शन ऑफ, फाइनल डायरेक्शन ऑफ क्या होगा मोशन। और इसी को क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। इतना ही क्या होगा डिफ्लेक्ट हो गया ठीक है। अब देखो ये ध्यान से देखना ये क्या है ए बी है एक लाइन है ए एंगल कितना दिया है अल्फा दिया हुआ है। अब कोर्स देखो ये वाला जो लाइन होगा ये क्या होगा ये सर्कुलर आर्क है तो इधर कहीं सेंटर होगा यार सेंटर ऑफ द सर्कल तो या ऐसे ड्रॉ कर लो यार ऐसे है ना सेंटर ऑफ द सर्कल तो ये क्या होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर अगेन दिस विल बी क्या होगा परपेंडिकुलर ठीक है। यही सेंटर ऑफ द क्या होगा सर्कल हुआ और दिस इज नथिंग बट इसको मैं पी क्यू लिख देता हूँ ठीक है। यही क्या होगा दिस इज नथिंग बट द क्या होगा आर दिस इज रेडियस और रेडियस आप लिखोगे तो रेडियस का फॉर्मूला हम जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है एम बी अपॉन क्या होगा क्यू बी। ये रेडियस का फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अब देखो ए एंगल क्या है अल्फा है ना और ध्यान देना ए एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा तो ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा ये 90 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा और ए सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा तो ऑब्वियसली क्या होगा ये क्या होगा अल्फा। तो ये प्रूफ हो गया कि ए बी के साथ जितने एंगल पे आई मीन वर्टिकल के साथ जितने एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा उतना ही एंगल पे क्या होगा इमर्ज करेगा। तो दिस इज द एंगल एट विच एंगल विथ ए बी एट विच द चार्ज पार्टिकल इज इंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या हुआ दिस इज द एंगल एट विच द चार्ज पार्टिकल इज इमर्जेज फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए बी। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि जितने एंगल पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड में ए बी के साथ इंटर कर रहा है उतने ही एंगल पे क्या होगा वो इमर्ज करेगा। रेडियस अपने को मालूम चल गया। अब क्या है डेविएशन कैलकुलेट करना है तो डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो ध्यान से देखना तो है ना देखो ध्यान से ए एंगल क्या हुआ क्या होगा ए एंगल बता सकते हो तुम देखो ए एंगल क्या हुआ डेल्टा हुआ तो बी एंगल क्या होगा डेल्टा होगा यार कोई डाउट नहीं है है ना। अब देखो क्या है ए एंगल अल्फा है तो ऑब्वियसली ए एंगल कितना हो जाएगा आई मीन ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 90 तो ये कितना होगा 90 90 प्लस क्या हो जाएगा। अब ऐसे भी सोच सकते हैं देखो अपने को यदि ये वाला एंगल थीटा की सेंटर पे जो एंगल मालूम चल जाए तब हम कुछ कर सकते हैं। देखो तो ये सेंटर पे कितना एंगल होगा बता सकते हैं ये वाला को हम क्या मान लें थीटा मान लेते हैं ठीक है। तो थीटा कितना होगा यहां से हम बता सकते हैं तभी तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे यार है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं एंगल मेड बाय द सर्कुलर आर्क एट ओ क्या होगा एंगल एंगल मेड बाय सर्कुलर सर्कुलर आर्क आर्क एट क्या होगा ओ कितना होगा देखो तो ए एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा ए 90 माइनस अल्फा ये क्या होगा थीटा तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि थीटा थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से तो ये कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा
सेंटर पे एंगल कितना बनेगा ये अपने को मालूम चल गया। तो यहां से हम टाइम स्पेंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज द क्या होगा एंगल एट द सेंटर, क्या होगा एंगल, है ना, एंगल मेड बाय द क्या होगा सर्कुलर आर्क ऑन विच द पार्टिकल इज मूविंग एट द सेंटर, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ 2 इंटू क्या हुआ अल्फा। यदि ये 30 डिग्री होता तो डायरेक्ट हम कितना लिख देते हैं थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा। यदि ये 90 डिग्री होता तो डायरेक्ट हम क्या लिखते कि थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि टाइम स्पेंड, फिर हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। चलो डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये क्या हुआ एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये भी क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम लिख सकते हैं आगे देखो कि कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो अब लिखेंगे अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे, देखो ये क्या हुआ 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा ये 2 अल्फा हुआ ना, ये कितना हो जाएगा, हाँ देखो ध्यान से, तो ये 2 अल्फा तो हम लिखेंगे कि थीटा प्लस आई मीन 90 माइनस अल्फा है ना प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या होगा 360। अब देखो ये क्या है 2 अल्फा प्लस, ठीक है, प्लस 180 माइनस 2 अल्फा प्लस, ठीक है ना, कितना होगा 360। तो थीटा प्लस कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा 2 अल्फा। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हाँ हम गलत कर दिए ना यार, हम गलत एंगल ले लिए सॉरी। देखो क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा ना, ये टोटल एंगल, टोटल एंगल कितना है यार 90 डिग्री है, सॉरी ये 90 डिग्री है ना। तो हम लिखेंगे कितना थीटा आई मीन 2 थीटा प्लस 90 प्लस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 360। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा आई मीन क्या लिख सकते हैं 180 माइनस क्या होगा 2 अल्फा। तो डेविएशन कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेविएशन कितना हुआ 180 माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या कैलकुलेट करना है कि टाइम स्पेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगला जो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है कि टाइम स्पेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा टाइम स्पेंड इन द क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यहां ये ध्यान देना है, देखो अब सिंपल हम जानते हैं कि टाइम कितना होगा ये सरकमफेरेंस है ना, और क्या लिख सकते हैं अपॉन स्पीड, यही लिखेंगे ना सरकमफेरेंस है ना। तो सरकमफेरेंस कितना लिखेंगे देखो तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा आर्क लेंथ कितना हो जाएगा आर्क लेंथ पी क्यू अपॉन क्या होगा स्पीड, ठीक है। अब आर्क लेंथ कितना है यार, अब आर्क लेंथ कितना होगा देखो तो टी इज इक्वल टू आर थीटा लिखते हैं यार, आर्क लेंथ इक्वल टू आर थीटा, तो क्या लिखेंगे आर इंटू थीटा अपॉन वाई, यही लिखेंगे यार, देखो ध्यान से यार। तो टी इक्वल टू क्या होगा आर का वैल्यू रखो तो एम वी अपॉन क्या होगा क्यू बी इंटू क्या होगा वी इंटू थीटा, थीटा क्या है 2 अल्फा, यही है ना। अब देखो यहां से ध्यान से वी कैंसिल हो जाएगा तो टी इज इक्वल टू क्या होगा 2 अल्फा एम अपॉन क्या हो गया क्यू बी, क्या हो गया। अब यहां क्या है टी क्या है टाइम स्पेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड, टाइम
स्पेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अल्फा क्या है? एंगल विथ ए बी याद रखना है ना, और ऑलवेज अल्फा को क्या चीज में लिखना है? रेडियन में, याद रखना, ठीक है। एंगल विथ क्या है? विथ ए बी, एंड मेजर्ड इन लिख देता हूं रेडियन, मेजर्ड इन क्या होगा? रेडियन। ये ध्यान देना है, अल्वेज किस में मेजर्ड करना है, और तो आप सब जानते ही हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो डेविएशन कितना हुआ? पाई इनटू, आई मीन 180 माइनस 2 अल्फा। एंगल कितना सबटेंड होगा सेंटर पे, कितना होगा एंगल सेंटर पे, क्या होगा, कितना सबटेंड होगा, ये हम बता सकते हैं आसानी से, है ना। कितना होगा, कितना होगा 2 अल्फा। उसके बाद हमने देखा कि टाइम स्पेंड जो है क्या है, 2 एम अल्फा अपॉन क्या होगा, 2 एम अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखो और फास्ट बताना इसका आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से, दूसरा एग्जांपल मैं बता दूं। तो ये तुमको समझ में आया कि जितने एंगल पे ए बी के साथ हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे, उतने ही एंगल पे क्या होगा, वो मैग्नेटिक ए बी के साथ मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, इमर्ज होगा। और डेविएशन क्या होता है, एंगुलर डेविएशन क्या होगा, एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी, आई मीन वेलोसिटी एट विच द चार्ज इज इंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी विथ विच द चार्ज इज इमर्जिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, इसी पे बेस्ड है। हाँ, यहाँ हम ये मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो का जो विड्थ है वो क्या है, लार्ज है, विड्थ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, उसका विड्थ जो है क्या है, लार्ज विड्थ है। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो यहाँ, कि एग्जाम्पल टू देखो, कि फास्ट बताना है ना, ए विड्थ ऑफ द क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड रीजन। इससे क्वेश्चन आता है ना हमेशा, देखना तुम जब, शायद गलती से तुम प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम देखोगे तो तुमको मालूम चलेगा यही क्या हुआ, ए बी। अब हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। अब इससे देखो ध्यान से, इससे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलरली क्या है, चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है। तो जब मैंने क्या बताया था कि जिस एंगल पे वो ए बी के साथ इंटर करेगा उसी एंगल पे क्या होगा, ये इमर्ज करेगा। तो इसका ये जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, दिस इज फाइनल, और दिस इज क्या हुआ, इनिशियल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इधर ही क्या होगा, सेंटर होगा इधर, इधर ओ होगा, एंड दिस विल बी क्या होगा, रेडियस। यहाँ दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, फाइनल इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मोशन, है ना। दिस इज क्या हुआ, फाइनल, फाइनल डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मोशन। अगेन आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस वगैरह। तो ये यहाँ आप लिख लेना, क्वेश्चन समझ में आया कि कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज हमने क्या माना, जिस पे चार्ज हम मान लेते हैं कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है, मास क्या है, एम है, और इसको वी वेलोसिटी से हमने क्या किया है, फेंका है, ठीक है। तो आपको अगेन क्या करना है, सिंपल मैं बता देता हूँ। यहाँ भी देखो, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पार्टिकल विल मूव ऑन द सर्कुलर आर्क, आउटसाइड इट विल मूव ऑन द क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ लिख लेना है, तो यहाँ लिख देता हूँ कि फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड, एंगुलर क्या होगा, एंगुलर डेविएशन, ठीक है, बी, आई मीन फर्स्ट ए में, सेकंड में लिखो टाइम स्पेंड इन द यूनिफॉर्म, इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सी लिखो क्या है, सी छोड़ दो, है ना, दो ही चीज कैलकुलेट कर लो, है ना। तो यहाँ देखो ध्यान से कि एंगल जो होगा, आई मीन क्या होगा, सिंपल एंगुलर डेविएशन देखने से ही लग रहा है कि ऐसे जा रहा है, आई मीन ऐसे गया और फिर रिटर्न हो गया। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले सॉल्यूशन में लिख दें, है ना, एक पॉइंट,
कि इनसाइड क्या होगा, इनसाइड इनसाइड द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन द सर्कुलर आर्क, पार्टिकल विल क्या होगा, विल मूव ऑन द सर्कुलर आर्क व्हाइल आउटसाइड मूव ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द क्या होगा, ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये याद रखना है। उसके बाद एंगुलर डेविएशन, यहां से देखने से लग रहा है कि एंगुलर डेविएशन डायरेक्ट कितना हो जाएगा, देखो यहां अल्फा इक्वल टू, यदि हम प्रीवियस रिजल्ट को यूज करें, बी में क्या है, सॉरी ए में क्या है, एंगुलर डिव, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, टू अल्फा, अरे अभी बताया था, यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, तो एंगुलर डेविएशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। टाइम स्पेंड कितना होगा, तो टाइम स्पेंड कितना था, टाइम स्पेंड का फॉर्मूला क्या था, याद आया, टी इज इक्वल टू कितना था, 2π/2 अल्फा, एम अपॉन क्या था, क्यू बी, या अल्फा इक्वल टू क्या है, π/2, तो लिखो टी इक्वल टू पाई एम अपॉन क्या होगा, क्यू बी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें एक दूसरा जो टाइप होता है उसको हम देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो दूसरा टाइप हम कैसे सॉल्व करें, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर, आई मीन क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। ये चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल ऑफ क्या होगा, मास एम, चार्ज प्लस क्यू इज प्रोजेक्टेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड बी विथ स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी ऑफ विड्थ डी एज शोन इन द फिगर, shown in the figure below, ठीक है। देखो यहाँ यही क्या है, मैं तीन रीजन में इसको डिवाइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ भी है, यही क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया, अब देखो ये क्या है, ये दिस इज रीजन क्या होगा, रीजन वन, दिस इज रीजन, इसको हम रीजन क्या मान लेते हैं, रीजन थ्री, और दिस इज रीजन, ये कितना दिया हुआ यार, डी विड्थ दिया हुआ, विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्या है, डी है, यही मान लो क्या है, ए बी है, तो इसको हम क्या मानते हैं, रीजन क्या मान रहे हैं, रीजन टू, समझ में आने, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम, चार्ज प्लस क्यू इज प्रोजेक्टेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी of width d as shown in the figure below, ठीक है, ऐसे देखो, अब यहां ऐसे, यही क्या है, प्लस q चार्ज है, इसका मास क्या m है, और भी वेलोसिटी से, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, अभी अब यहां क्या क्या हो सकता है, देखो कि हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल जो हो क्या हो, थर्ड रीजन में चला जाए, है ना, हो सकता है कि वो क्या हो जाए, फर्स्ट रीजन में आ जाए, तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए ये अपने को बताना है। तो ये पहला क्या है, शोन इन द फिगर क्या होगा, बिलो, ठीक है, तो फाइंड द देन, देखो देन
देन ए। ए में क्या है, फाइंड द कंडीशन, या ऐसे पूछा जाएगा व्हाट शुड बी द, क्या होगा व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, क्या होगा डी, क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम, या व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी, ठीक है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, यहां लिख सकते हैं व्हाट, ठीक है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी सो दैट पार्टिकल विल, पार्टिकल विल इमर्ज इन रीजन, रीजन थ्री, ठीक है। ऑल्सो फाइंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी सो दैट द पार्टिकल विल इमर्ज इन रीजन थ्री, ठीक है। बी में लिखो कि इफ इफ पार्टिकल विल इमर्ज इमर्ज इन रीजन थ्री देन फाइंड, या यहां लिख सकते हो व्हाट शुड बी द कंडीशन, है ना, या व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन आर एंड डी। तो इफ पार्टिकल विल इमर्ज इन रीजन थ्री देन फाइंड, वन में क्या है लीनियर डेविएशन, लीनियर डेविएशन एज वेल एज एंगुलर डेविएशन, ठीक है। दो में क्या है टाइम स्पेंड, स्पेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो ए पार्ट था ए बी है, सी में हम क्या मानेंगे कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन, क्या होगा आर एंड डी रेडियस, आई मीन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी सो दैट, क्या होगा पार्टिकल विल रिटर्न इन द रीजन थ्री। तो ये समझ में आया, मैं लिख देता हूं। तो थर्ड सी में देखो क्या है, व्हाट शुड बी द, क्या होगा वैल्यू, वैल्यू ऑफ डी सो दैट पार्टिकल, अब देखो हमने ऐसे फेंका है कोई जरूरी है, तुम ऐसे ही भी कंसीडर कर सकते हो, ये होमवर्क देता हूं अल्फा एंगल पे, लेकिन पहले सो दैट द पार्टिकल विल रिटर्न, रिटर्न इन रीजन, रीजन फर्स्ट, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है जिसमें तीन, बाद में हम क्या करेंगे इसमें कुछ एंगल हम दे देंगे कि नहीं ऐसे कुछ एंगल पे फेंके और ऐसी विड्थ ऑफ द रीजन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू क्या होगा कि थर्ड रीजन में जाएगा, सेकंड रीजन में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। व्हाट शुड बी द कंडीशन, ये आपको क्या करना है देखना है, केवल ये ध्यान देना है कि जितने, यदि ये इमर्ज हो रहा है तो जितने एंगल पे ए बी के साथ इंटर करेगा उतने ही एंगल पे क्या होगा इमर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, अब हम आते हैं वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको ये मालूम है कि जब भी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाएगा तो उसका पाथ क्या होगा, क्या होगा सर्कुलर होगा, तो ये सर्कुलर आर्क में मूव करेगा, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क क्या होगा, तो यहां लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में पहले हम लिख लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या होगा, अभी मैंने इनसाइड क्या होगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल
विल मूव। अब देखो ये क्या है कि यहाँ ऐसे जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड लगेगा। तो ऐसे सर्कुलर आर्क हो सकता है कि ऐसे जाए, यहाँ से निकल जाए, नहीं तो ऐसे जा करके फिर क्या होगा, वो रिटर्न भी आ जाएगा उस सिचुएशन। समझ में आया ना आपको? मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि क्यू वी क्रॉस बी होता है तो अपवर्ड लगेगा यार, ऐसे वेलोसिटी पे ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन क्या होगा, सर्कुलर सर्कुलर आर्क ऑफ क्या होगा, रेडियस रेडियस आर। ठीक है, तो रेडियस आर, आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा, एम वी अपॉन क्या होगा, क्यू वी। यहां से ध्यान से देख सकते हो कि थर्ड रीजन में तभी, अब रेडियस यदि विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन बहुत बड़ा हो, रेडियस से ज्यादा हो जाए, है ना, आई मीन डी क्या हो जाए, रेडियस से ज्यादा हो जाएगा, तो यार चार्ज पार्टिकल तो कभी यहां से मैक्सिमम चार्ज पार्टिकल क्या जा सकता है, यहां से रेडियस के इक्वल जा सकता है ना। ठीक है, उसके बाद तो क्या होगा, वो मूव कर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो थर्ड रीजन में तभी जा सकता है, आई मीन इस रीजन में, रीजन थ्री में, रीजन थ्री में तभी जा सकता है जब क्या होगा कि विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्या हो, आई मीन डी क्या हो, आर से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, क्या हो जाए, आर से छोटा। देखो यहां मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि यहां क्या हो गया, ऐसे मूव किया, ऐसे सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव किया, है ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहां आप ध्यान से देखना, यदि अब यही डी है, यदि डी का वैल्यू और ज्यादा होता, है ना, ये डी का वैल्यू क्या होगा और ज्यादा होता, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा और क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल विल क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा कि हम लिखेंगे कि चार्ज पार्टिकल विल इमर्ज, क्या होगा, तो लिखेंगे कि चार्ज, क्या लिखेंगे कि चार्ज, यही समझना है, चार्ज पार्टिकल विल इमर्ज इन रीजन थ्री इफ इफ डी इज स्मॉलर देन क्या होगा, आर। इक्वल भी नहीं बोल सकते यार, इक्वल होगा तब क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे हम इक्वालिटी साइन यूज कर सकते हैं, तो डी इज क्या होगा, लेस देन क्या होगा, आर होगा। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन सो दैट ए क्या हो जाएगा, कि ये क्या हो जाए, रीजन थ्री में चला जाए, तो यहां हम बता सकते हैं कि डी इज इक्वल टू क्या होगा। यहां से आपसे भी पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो केवल ये केवल याद रखना, तो हम बोल सकते हैं यहां से क्या बोल सकते हैं कि डी, आई मीन यहां ये भी लिख सकते हैं कि डी इज, तो डी इज लेस देन क्या होगा, एम बी अपॉन क्या होगा, क्यू। यहां से जो क्वांटिटी आपसे पूछा जाए वो आप बता सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क ऑन विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहला ये चीज क्या है तुमको ध्यान रखना है कि डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, आर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब यदि ये इमर्ज हो रहा है, मान लो कि क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है कि ये थर्ड रीजन में इमर्ज हो रहा है, तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना। तो थर्ड रीजन में जब इमर्ज होगा तो इधर देखो यही क्या होगा, इसको आप थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो इधर क्या होगा, इसी रीजन पे क्या होगा, इधर ही कहीं, है ना, क्या होगा, रेडियस होगा, है ना, इधर क्या होगा, कहीं रेडियस का वैल्यू होगा। ठीक है, यहां देखना इधर रेडियस का, अभी मत, ठीक है, इधर कहीं क्या होगा, रेडियस का वैल्यू होगा, इधर थोड़ा डायग्राम, यही क्या होगा, सेंटर हो गया, तो ये क्या होगा तुम्हारा विड्थ ऑफ द, ऐसे दिखा देते हैं, या थोड़ा मैं डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, है ना, यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर यही क्या होगा, सेंटर हो गया ओ, ठीक है, और ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, और ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, यही सेंटर हो गया, तो दिस विल बी आल्सो आर, दिस विल बी क्या होगा, आर, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनिशियल
इनिशियल डायरेक्शन ऑफ क्या होगा मोशन, और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, देखो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट द फाइनल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यही एंगल क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डेविएशन, एंड दिस इज कॉल्ड क्या होगा, लिनियर डेविएशन, ये वाई जो होगा वो क्या होगा, लिनियर डेविएशन बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एंगल, दिस इज कॉल्ड लिनियर डेविएशन, लिनियर डेविएशन, ठीक है। और इस एंगल को कितने एंगल टिल्ट हुआ, आई मीन कितने एंगल डेविएट हुआ, आई मीन व्हाट इज द एंगल बिटवीन क्या होगा, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डेविएशन। तो यहाँ क्या हुआ, डेल्टा। अब आपको देखना है कि ये क्या हुआ, थीटा हो गया, ए आर हो गया, ए आर हो गया, दिस इज क्या होगा, अब हम देखते हैं कि ये थीटा हो गया है ना, क्या होगा ए, यदि डेल्टा हो गया डेविएशन, तो यहाँ से देखो हम ऐसे सोच रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, डेल्टा होगा है ना, कोई डाउट नहीं है ना, ये डेल्टा है, ये क्या है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, अरे टोटल एंगल थे, ये 90 हो गया, ये डेल्टा थे, कितना हो जाएगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा थे, क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो एंगल एट द सेंटर क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर डेविएशन, एंगल एट द सेंटर विल बी क्या होगा, इक्वल टू एंगुलर डेविएशन। तो यदि ये क्या होगा, हम यहां मान लें, देखो क्या हुआ, ये रेड से लिख देता हूं, ये डेल्टा, ये भी क्या हुआ, डेल्टा, और दिस इज वाई। अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें भी पूछा जाए कितने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां से ये डेल्टा अपने को निकालना है, तो हम ये टोटल क्या हुआ, आर हुआ है ना, ए डी हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा, आई मीन साइन साइन डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ डी अपॉन क्या होगा, आर, यही क्या होगा, दिस इज एंगुलर डेविएशन, दिस इज क्या होगा, रेडियस, एंड दिस इज विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मैग्नेटिक फील्ड, यहां से हम डेल्टा आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लीनियर डेविएशन, देखो ये क्या हो गया, ये यदि आर होगा, ये टोटल क्या आर है, ये वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा यार ये। तो अब यदि हम कंसीडर कर लें, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर लो, आइदर टेन डेल्टा ले लो, तो हम लिख सकते हैं टेन क्या हो गया, टेन डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन क्या लिख सकते हैं, आर माइनस क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, सॉरी आर माइनस वाई, ठीक है, यही होगा ना, ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द लीनियर डेविएशन, ये तुमको मालूम है, दिस इज लीनियर यहां से यदि हम डेल्टा स्मॉल कंसीडर कर लें, इफ हम मान लें कि इफ डेल्टा इज क्या होगा, इज वेरी स्मॉल, कभी कभी भी मिलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू डी अपॉन क्या होगा, आर माइनस वाई, तो यहाँ लिख सकते हैं कि आर माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन डेल्टा, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं क्या होगा कि वाई इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, वेयर डेल्टा इज इन क्या होगा, रेडियन। तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या होगा, आर ए लिनियर डेविएशन मालूम चल गया आपने को, है ना, क्या हो गया लिनियर डेविएशन। उसके बाद हमने क्या किया, एंगुलर डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। तो अगला जो पॉइंट है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि, तो बाद में मैं लिख देता हूँ एक जगह, टाइम स्पेंड क्या होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन इनवर्स ऑफ डी अपॉन आर, और y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, पहले हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू क्या होगा,
डी अपॉन क्या होगा, देखो डी अपॉन आई मीन डी कॉट, कॉट क्या होगा, तो वाई इज इक्वल टू, देखो ऐसे लिख सकते हैं कि आर माइनस क्या होगा डी कॉट, ठीक है डी कॉट, और एक और लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या होगा r माइनस d अपॉन क्या होगा, तो ये क्या हुआ डेविएशन हो गया, समझ में आया ना, ये तुम ध्यान देना ठीक है। एक जगह ये तब होगा जब d क्या हो जाएगा आई मीन डेल्टा जो होगा बहुत ही स्मॉल होगा। अब हम लिखते हैं अगला जो पॉइंट है क्या है, टाइम स्पेंट इन द क्या होगा इन द मैग्नेटिक मैग्नेटिक। अब देखो क्या होगा, टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड, और यहां आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होगा आर इंटू डेल्टा अपॉन क्या होगा वी, आर का वैल्यू रखो तो यहां से भी देखोगे एम, ठीक है एम डेल्टा, ठीक है अपॉन क्या हो जाएगा क्यू इंटू क्या हो जाएगा नहीं, डेल्टा का वैल्यू रख दो और आसानी से तुमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा का वैल्यू मालूम है ना, यहाँ से देखो साइन इनवर्स ऑफ डी अपॉन आर, यहाँ से लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एम अपॉन क्या होगा क्यू बी, तो साइन इनवर्स ऑफ क्या हो गया डी अपॉन आर, तो ये क्या हुआ टाइम स्पेंड इन द क्या हुआ यूनिफॉर्म। तो फर्स्ट का मैं जो क्वेश्चन था उसका आंसर। अब हम आते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि क्या कंडीशन होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कंडीशन या व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन सो दैट द चार्ज पार्टिकल विल रिटर्न इन द क्या होगा रीजन वन। तो सेकंड जो क्वेश्चन था आई मीन सी जो था आई थिंक सी था कि क्या है कि चार्ज पार्टिकल विल रिटर्न इन द रीजन रीजन फर्स्ट इफ, फर्स्ट क्या होगा इफ क्या होना चाहिए आर शुड भी क्या होना चाहिए लेस देन डी, ठीक है तभी ये पॉसिबल है यार। डी रेडियस से क्या हो जाए विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्या हो जाए बहुत ज्यादा हो जाए, रेडियस से बड़ा हो जाए तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा सेमी सर्कुलर आर्क पे मूव करेगा और फिर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखो यदि ऐसा सिचुएशन हो जाए तो कुछ सिचुएशन ऐसा होगा जो इसके पहले वाले में, यहाँ ए डी दिया हुआ है, डी क्या है यहाँ मैंने मान लिया कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है आर है, ये पूछा जाता है जेई के एग्जाम में है ना, पूछा भी गया है, तो ये क्या होगा चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा और फिर क्या होगा ऐसे रिटर्न हो जाएगा और ये अंदर जो होगा वो क्या होगा सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा जो ऑलरेडी मैंने क्या है बता दिया, यही क्या होगा वो होगा दिस इज विल बी क्या होगा आर, तो ऐसे क्या होगा ये जाएगा ऐसे और ऐसे क्या होगा रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा अगेन टाइम स्पेंड कितना होगा ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ देख लो सब कुछ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिनियर डेविएशन तुमसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, यहाँ लिनियर डेविएशन कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, तो सब मैं लिख देता हूँ है ना। तो यहाँ कंडीशन क्या होगा r इज क्या होगा लेस देन क्या होगा d है ना, तो m v अपॉन क्या होगा q b इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा d, तो d का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए m v अपॉन क्या होना चाहिए q b होना चाहिए, तभी क्या होगा पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा रीजन फर्स्ट में क्या होगा, यही रीजन फर्स्ट है ना यार, रीजन फर्स्ट दिस इज रीजन क्या है रीजन थ्री और दिस इज क्या है रीजन क्या है, ठीक है ये देन ध्यान देना। अब यहां मैं लिखूं कि एंगुलर डेविएशन कितना होगा तो डायरेक्ट आप बता सकते हो एंगुलर डेविएशन डेविएशन इज इक्वल टू आई मीन कितना होगा तो 180 डिग्री होगा, ठीक है उसके बाद लीनियर डेविएशन लिखें तो
तो लीनियर डेविएशन इज इक्वल टू, आई मीन वाई इक्वल टू क्या होगा, टू आर, आई मीन क्या होगा, टू एम बी अपॉन क्या होगा, क्यू बी। ठीक है, यदि हम टाइम स्पेंड देखें, ये सब बता दिया हूँ, टाइम स्पेंड आई मीन टी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, पाई एम, कैलकुलेट कर लेना, पाई एम अपॉन क्या होगा, क्यू बी। और इनसाइड जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है, सेमी सर्कुलर, आर पे मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर क्या है, स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको होमवर्क देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना, है ना। अब थोड़ा क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करता हूँ, आई मीन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ, और ये होमवर्क मैं देता हूँ, शायद आप लोग ट्राई करना यदि टाइम मिले तो, है ना, ऐसे टाइम मिलता नहीं है। देखो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, आई थिंक 4 या 1 2 3 4 जो भी हुआ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, है ना। देखो क्या है, अब यहाँ क्या है, मैं थोड़ा सा, ये क्या है, ओरिजिन है, दिस इज क्या है, एक्स एक्सिस, और दिस इज क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ए पॉइंट ए मान लो, दिस इज बी, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, ए कॉमा जीरो, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, बी कॉमा क्या है, जीरो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, थोड़ा मैं ये अलग दिखा देता हूँ। ठीक है, यहां देखो क्या है, यहां भी अगेन क्या है, तो यहां देखोगे कि d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू b माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तुम देखोगे ना, यहां भी कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल प्लस q जिसका मास क्या m है। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, यहां कुछ एंगल पे हम फेंक रहे हैं, कैसे, ऐसे, ये वाला एंगल क्या है, अल्फा डिग्री है। तो ठीक है, अब क्या होगा, ये पार्टिकल जो होगा कुछ ऐसे क्या होगा, मूव करेगा, है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, हो सकता है ये इधर भी चला जाए, है ना। ठीक है, कुछ ऐसे, ये पैराबोलिक पाथ मत समझना तुम, ये ऐसे मूव करेगा, हो सकता है कि इस रीजन में भी चला जाए, इस रीजन में भी, आई मीन इस रीजन में भी आ जाते, इसको मैं रीजन फर्स्ट लिख रहा हूँ, इस रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा, टू, सॉरी, थ्री, एंड दिस इज रीजन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो यहाँ ध्यान से, इसको किस वेलोसिटी, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, मास एम है, इसको वी वेलोसिटी से क्या है, फेंका गया। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द, ये पूछा जाएगा, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन, अगेन क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं सिंपल लिखता हूँ, इन द शोन फिगर, इन द, इसको वाई एक्सिस मान लेना, है ना, नहीं भी मानोगे तो चलेगा यार, है ना, इसको वाई एक्सिस, इन द क्या होगा, शोन फिगर, फाइंड ई में क्या है, वैल्यू ऑफ क्या होगा, वैल्यू ऑफ डी, सो दैट पार्टिकल विल क्या होगा, इमर्ज इन रीजन थ्री। अब मैं ये लिखता हूं कि इफ पार्टिकल विल इमर्ज इन रीजन थ्री, देन क्या है, ई में क्या है, फाइंड, यहां मत लिखो, फाइंड यहां लिख लो, फाइंड ए में क्या है, फाइंड, पहला देखो क्या है, आई मीन ए और
यहाँ बी लिखना है ना, बी वन, आई मीन बी में वन, देन फाइंड ए में लिखो लीनियर डेविएशन एज वेल एज एंगुलर डेविएशन, ठीक है। सेकेंड लिखो टाइम स्पेंड, स्पेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और रेडियस तो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद सी में देखो, सी इफ पार्टिकल रिटर्न्स इन रीजन फर्स्ट देन फाइंड यदि रीजन, या ऐसे ए में क्या है, नहीं ऐसे लिख लो फाइंड द कंडीशन, क्या होगा फाइंड द मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ डी सो दैट पार्टिकल रिटर्न इन रीजन, रीजन फर्स्ट, बस इतना ही कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा होमवर्क है, ये होमवर्क है, ट्राई कर लेना तुम लोग। इससे रिलेटेड क्या है, इतना ही है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लोन साइक्लोइड पढ़ेंगे, सॉरी साइक्लोइड नहीं, उसको क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। अभी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल को यदि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दें, उसके परपेंडिकुलर है ना, उसके अलोंग, ठीक है, तो क्या क्या सिचुएशन होगा उसके बारे में पढ़ा। अब हम देखें कि नहीं चार्ज पार्टिकल को किसी अदर एंगल पे हम प्रोजेक्ट करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद वाले क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।